हेलो, गुड इवनिंग सभी को। मेरा नमस्कार, मैं आपका इंग्लिश मेंटर और हर्ष प्रताप सिंह एक बार फिर से एक सरप्राइजिंग न्यूज़ लेकर के आपके सामने आ चुका हूँ। कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है? कहते हैं ना, नौकरियाँ बहुत होती हैं, लेकिन अगर नौकरी की बात करूँ तो SSC में वो नौकरी होती है SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जी हाँ, ये तेरी सल्तनत है, कर दे चढ़ाई इस बार। आ जाओ मेरे शिकारियों, इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं, SSC CGL 2024 के बारे में कि सर इस बार क्या एज होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना अगर सच में इस बार आपको CGL में एक सीट लेनी है और इंस्पेक्टर बनना है। तो आ जाओ बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, वन बाई वन हम लोग समझेंगे सारी चीज़ों को बिल्कुल गौर से। देखो मेरे शेर, आ जाओ। सबसे पहली चीज बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक चीज मैंने यहां पर मार्क करी हुई है। देखो आ जाओ बिल्कुल ध्यान से सर, जो CGL 2024 है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, CGL 2024 का नोटिफिकेशन डेट कब से आ रहा है? 11th of June। अभी भी एक महीने रह रहे हैं, आपको मैं अभी से ही अलर्ट कर रहा हूं, यानी कि अभी भी एक महीने बाद से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। और एग्जाम डेट कब है मेरे शेर? सेप्टेम्बर लास्ट वीक और अक्टूबर फर्स्ट वीक, यानी कि अगर आप अभी से देखो, मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, 5 months, यानी कि कितने डेज मेरे शेर? 150 days। 150 दिन में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, मान लीजिए मेरी बात को, और सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं स्ट्रेटजी क्या क्या चीजें हैं, कितनी एज होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, और कैसे इंग्लिश में 50 में से 45 स्कोर करेंगे। आइए समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखिए मेरे शेर, सेकंड पैटर्न ये देखिए, SSC CGL टीयर 1 एग्जाम पैटर्न, रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश GS। सर रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, इंग्लिश भी आती है, GS भी आती है। ये पूरा पेपर तुम्हारा 10th लेवल का होता है, पूरा पेपर तुम्हारा 10th लेवल का होता है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के मेरे शेर 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, GS के 25 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 50 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और पूरा पेपर रीजनिंग का 50 नंबर, मैथ्स का 50 नंबर, इंग्लिश का 50 नंबर, GS का 50 नंबर, यानी कि पूरा पेपर तुम्हारा 200 नंबरों का है। अब बात आई सर 200 में कितनी नंबर चाहिए हमें, और मेरा प्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और मेंस में मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैठूं, तो सर कम से कम आपके 160 प्लस स्कोर आने चाहिए, 160 प्लस स्कोर, और तभी आएगा जब आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश में फुल स्कोर करने की एबिलिटी रखते हैं। तो आइए समझते हैं कौन सा बच्चा फॉर्म को भर सकता है, फिल कर सकता है, और एलिजिबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आ जाओ ये देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ग्रेजुएशन, अच्छा ग्रेजुएशन समझ रहे हैं, कभी कभी फाइनल ईयर अपीयरिंग भी वाला भी भर सकता है, लेकिन एक डेट डिसाइड होती है कि इस डेट तक आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जानी चाहिए। तो मोटा मोटा समझते हैं कि ग्रेजुएट वाले बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, एज लिमिट यानी कि मिनिमम छोटकू सा बच्चा 18 साल वाला भी फॉर्म को फिल कर सकता है, जो जस्ट अभी ग्रेजुएट हुआ है, यानी कि 18 साल वाला बच्चा भी एक गवर्नमेंट जॉब ले सकता है और अपने माँ बाप को खुश रख सकता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एज 32 साल वालों का भी ख्याल रखती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, कि अगर आपकी एज 18 से 32 के बीच में है तो आप SSC CGL का फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं, यानी कि बहुत ही तगड़ा मौका, बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने है। अब देखिएगा सर, इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं आपको इंग्लिश, और इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीजें मेरे शेर, अगर आप इसमें मास्टरी पाना चाहते हैं, और मेरी तरफ से गारंटीड, गारंटीड अगर आपको 90% स्कोर करना है, 45 अचीव करना है CGL प्री में आउट ऑफ 50, तो आपको मेरे साथ ही जुड़ना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने SSC CGL प्री, CHSL प्री, CPO प्री तीनों को क्लियर किया हुआ है, मैंने अपने हर वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि यार अगर घर की पहली सीढ़ी आपको चढ़नी है तो ग्राउंड फ्लोर के बारे में आपको पता होना चाहिए,
जब प्री क्लियर करोगे तभी मेंस में जाओगे। अब बात आई कि सर आपने मेंस क्लियर किया हुआ है? हाँ जी क्लियर किया हुआ है, रोल नंबर आपको यूट्यूब पर कई बार मैंने दिखाया हुआ है, आप देख भी सकते हैं, पहली चीज। अब बात आई कि सर दिखने में बहुत आसान लग रहा है, आपने जितने आसानी से बोल दिया कि 50 में 45 नंबर आपको दिला देंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर। हजारों बच्चे कर रहे हैं एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर, देखो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल फैक्ट बात मैं कर रहा हूँ, और ये है मेरे रोल नंबर्स मेंस के और प्री प्लस मेंस यूएचएसएल के, और सीपीओ प्री भी मैंने क्वालिफाई किया था, इसलिए आपको रोल नंबर मैंने यहाँ पर विजिबल कराया है कि जो न्यू व्यूवर्स हैं थोड़ा सा ट्रस्ट रखें। और मैं पिछले 5 साल से नई दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूँ, हजारों की भीड़ भी पढ़ाया हूँ और अच्छे खासे क्राउड को भी पढ़ाया हुआ हूँ, 200-300 के स्ट्रेंथ दिल्ली मुखर्जी नगर जीटीबी नगर में। करंटली अभी भी दिल्ली मुखर्जी नगर ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, प्लस मेरा खुद का एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है ना सर, तो आपके साथ कहीं ना कहीं इंग्लिश में थोड़ा सा क्या हो रहा है, लाजमी हो रहा है, तो ध्यान से सुनना। अगर आपको इंग्लिश में 45 out of 50 स्कोर करना है मेरे शेर, इंग्लिश में अगर आपको 45 out of 50 स्कोर करना है, तो ये मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पर सुपर 100 बैच भी है, इंग्लिश स्पेशल 1 भी है, और CHSL CGL के लिए भी इंग्लिश स्पेशल 2 अभी न्यू बैच लॉन्च किया था। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बैच को ज्वाइन करना तो इंग्लिश स्पेशल 1 ज्वाइन करना। इंग्लिश स्पेशल 1 में आपको ऑलरेडी 55 वीडियोस अभी तक मिल जाएंगी, जिसमें हम लोग ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी भी पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ेंगे, और लाइव क्लास भी इसमें चलती है। पहली चीज, जब आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF में ग्रामर की कंप्लीट, वोकैबुलरी की कंप्लीट, idioms एंड phrases की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कंप्लीट PDF दूंगा, सब पढ़ी है मेरे पास, ठीक है। तो इस बैच को ही ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें हमारे टॉपर्स लेवल के बच्चे ऑलरेडी हैं, जो मैथ में गगन प्रताप सर से, राकेश यादव सर से मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो सब बच्चे हमारे पास इंग्लिश पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पर प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ, करेक्ट। अब बात आई कि सर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7678381218। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप कॉल करना, अदरवाइज व्हाट्सएप कर दोगे तब भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आप लोग जाना फटाफट से इसको इंस्टॉल करना, वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द पार्टिसिपेशन। कमेंट्स करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आगे भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आप लोग के लिए आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।